हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन करवा रही है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव कृष्ण ढुल की अध्यक्षता में हुई है। उन्होंने सभी मंडल बाल कल्याण अधिकारियों एवं जिला बाल कल्याण अधिकारियों को राज्य स्तरीय बाल महोत्सव ऑनलाइन को सफल बनाने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। कृष्ण ढुल ने कहा कि हर वर्ष की भांति हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन कर रही है। अब की बार कोविड-19 महामारी के चलते बच्चों के स्वास्थ्य और सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 10 अक्टूबर से विभिन्न आयु वर्गों के बच्चे सभी तरह की प्रतियोगिताओं में वीडियो बनाकर ऑनलाइन के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव ऑनलाइन से जुड़ी जानकारी childwelfarehariyana.com पर प्राप्त कर सकते हैं और बाल भवन में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार परिषद का लक्ष्य है कि 2 लाख से अधिक बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लें, जिससे बच्चों के अंदर छिपी बहुमुखी प्रतिभा निखर सके। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए बड़ा मंच उपलब्ध करवाती रही है। उन्होंने कहा कि अब की बार ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में बच्चों की प्रतिभा को करोड़ों की संख्या में लोग देखेंगे। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव ऑनलाइन का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के हर बच्चे तक बाल महोत्सव की जानकारी पहुंचाई जा सके और कोई भी बच्चा साधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा निखारने से वंचित ना हो। इस अवसर पर सीनियर बाल कल्याण अधिकारी ओपी मेहरा, सरोज मलिक, पूनम सूद व प्रदीप मलिक मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं ट्रैफिक के कारण काफी लेट हुआ, उसके लिए क्षमा याचक। आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के वार्षिक महोत्सव, जो कि हमारा बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बाल महोत्सव मनाया जाता है, उसके संदर्भ में आप सभी मीडिया वालों के साथ रूबरू होने का अवसर मिला, जिसमें हर वर्ष की भांति हमारा जो बाल महोत्सव होने जा रहा है, उसके संबंध में क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से हम लोग इसकी रचना करेंगे, क्योंकि कोविड के कारण इस बार जो बड़ा समारोह पब्लिक गैदरिंग का होता है उस रूप में नहीं हो पाएगा। पहला मेरे कार्यकाल में आने के उपरांत जो हमारा बाल महोत्सव रोहतक में हुआ, उसमें हमने प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाई थी, इनाम लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाई थी, और अंतिम दिन हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम का समापन समारोह था, जिसमें हमारे संस्था के प्रधान श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, उन्होंने बच्चों को पारितोषिक वितरण किया था, उसमें 1 लाख से ज़्यादा उस दिन वहाँ अभिभावक और बच्चे मौजूद थे। वर्ष 2019 में हमारा जो बाल महोत्सव किंगडम ऑफ ड्रीम में रहा, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। किंगडम ऑफ ड्रीम निश्चित तौर पर एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगता है कि बीपीएल परिवार का, गरीब परिवार का या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले का बच्चा शायद ही कभी जा पाए, क्योंकि वहाँ 2,500 रुपये की एंट्री होती है। 5 दिन के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में करीब करीब 5 लाख बच्चों ने किंगडम ऑफ ड्रीम का आनंद लिया, और हमने हरियाणा के सामान्य परिवार के बच्चे को वो स्टेज उपलब्ध कराई, जिस स्टेज पर नामचीन फिल्मी सितारे और तारिकाओं ने वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। वो इस प्रकार का एक अपने आप को हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का ऐसा पड़ाव रहा 2019 का हमारा बाल महोत्सव, जो कि पूरी मेरी इस राज्य बाल कल्याण परिषद की टीम के लिए चैलेंज भी है। और तब भी हमने सोचा था कि 2020 का बाल महोत्सव कैसा होगा, इस रचना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार कोविड के कारण बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा जो पब्लिक गैदरिंग का था, लेकिन हमने डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसमें ऑनलाइन बाल महोत्सव हम करने जा रहे हैं। ब्लॉक लेवल से हम इसको 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, और 10 अक्टूबर से लेकर के ये बाल महोत्सव 14 नवंबर से आखिरी पखवाड़ा जो इसका रहेगा,
वो हम लोग ये मानते हैं, अभी महामहिम ने तिथि तय नहीं करी है, पर ये मानते हैं कि 20 और 21 नवंबर के आसपास इसका समापन होगा। अब पिछले कार्यक्रमों में जिला बाल कल्याण अधिकारी और हमारे मंडल के जो अधिकारी हैं वो सब लोग, पूरी टीम हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की, ऑलमोस्ट अगले इस बाल महोत्सव में हरियाणा के हर बच्चे और अभिभावक के लिए आप ये मान के चलिए कि 24/7 अवेलेबल रहेगी। ना कोई छुट्टी है, ना कोई किसी प्रकार के किसी भी कर्मचारी को कोई एक्सक्यूज है। हमारा ये वार्षिक महोत्सव कामयाब हो, हरियाणा के हर बच्चे तक, जिसके अंदर कोई भी एक प्रतिभा है उसको हम लोग जो है मंच प्रदान करें, इसी कल्पना के साथ हम लोग जो है परिवर्तन से प्रगति, जो इस बार हमारी टैगलाइन है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.